तो तीसरे दिन की क्लास है और तीसरे दिन हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि किस तरह से हम अपनी मैथमेटिकल की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हमने नॉर्मल कैलकुलेशन बताया था आपको, प्लस माइनस जोड़ घटाओ, जो कल की क्लास में था। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को मैंने बाय किया 50 रुपीज में और मैंने सेल किया 55 में, तो इसका ग्रोथ, सॉरी, इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अब आप खोजेंगे कि इसके अंदर में फॉर्मूला कहाँ है। हो सकता है कि फॉर्मूला हो सकता है नहीं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता है, या अवेलेबल होता है तो उसका जो कैलकुलेशन का मीडियम होता है अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, आपकी डिप्रिसिएशन का जो एक कैलकुलेशन कुछ और है, एक्सेल का कुछ और है, तो उस केस में हम मैथमेटिकल जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि इसके इस केस में मैथमेटिक्स कहता है कि बाय, सॉरी सेल, माफ कीजिएगा, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। ठीक है, अब यहां पे प्लान अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक चीज जानना होगा। जैसे एग्जांपल में 2 + 2 / 2 क्या होगा सर? आधे श्याम जी, इसका इसका आंसर 1 होगा सर। 1। नहीं 2 ही होगा आपका। टू गगन जी प्लस यार टू बताइए, फोर इज इक्वल कुछ टू 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 होगा सर। होगा सर? आप फंस गए ना यहीं पे, आपने सबसे बड़ी चीज छोड़ दी, बोर्ड मास मेथड। बोर्ड मास मेथड कहता है कि फर्स्ट डिवाइड देन प्लस, रिजल्ट आएगा 3। 3 समझे? अगर आप जो करना चाहते हैं कि 2 + 2 = 4, 4 / 2 = 2 आए, तो उस केस में 2 + 2 को क्या रखना होगा? ब्रैकेट में, देन रिजल्ट 2 आएगा। समझे? तो इसी चीज के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो या फिर कई सारे फॉर्मूला भी लगाओगे आगे चल के, तो ब्रैकेट से उसको सेपरेट करना मत भूले। जैसे कि मैं यहां सेपरेट कर रहा हूं इन द ब्रैकेट सेल माइनस बाय, और जो रिजल्ट आएगा ओ डिवाइड बाय बाय, देन मुझे मिलेगा नंबर डेसिमल में। ठीक है, अब इसे परसेंटेज का सिंबल लगाऊंगा तो 10% आएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो एक्सेल में परसेंटेज के कुछ रूल है। जैसे मान लीजिए मुझे यहां कर्सर जहां पर है वहां पर परसेंटेज लिखना है, तो मुझे 20 और परसेंट का सैंपल दूंगा, फिर एंटर मारूंगा तो 20% होगा। ये 20% एक्चुअली में दिख रहा है, लेकिन जब इसकी जनरल फॉर्मेट में करेंगे तो हो जाएगा 0.2, क्योंकि एक्चुअल में 0.2 ही है। जब परसेंटेज का सैंपल देते हैं तो उसको 20% में विजुलाइज कर देता है, मैं दिखा देता है। देखिए, हमेशा एक्सेल दो तरह का डेटा रखता है, एक ओरिजिनल डेटा, दूसरा विजुअल डेटा। ओरिजिनल क्या है आपका? 0.2, जिस पे वो सारी कैलकुलेशन करता है, और विजुअल क्या है? 20%। अगर मान लीजिए कि आपको बाद में, मान लीजिए कि आपको बाद में अगर फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ बाद में परसेंटेज लगाना है, तो जने लोग गलती क्या करते हैं, 20 लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करके फिर इसके ऊपर परसेंटेज देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत होता है? गलत इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। 1 =
इसलिए अगर आपको बाद में परसेंटेज देना है तो 0.20 लिख के फिर इसके ऊपर सेलेक्ट करके परसेंटेज देना। अब कोई परसेंटेज निकालना है, जैसे 500 का मान लीजिए 20% निकालना है, 20% अगर फॉर्मेट इस परसेंटेज में है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिक में हमें डिवाइड करना पड़ता है ना सर, यहां आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे परसेंटेज हमने डाला। तो एक कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको कि नहीं सर? गगन जी आ रही है सर? एक बार दोबारा, एक बार ये वाला दोबारा बताओ। कौन सा? इसकी परसेंटेज की बात कर रहे हैं जी सर? देखिए एक मिनट, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। एक चीज समझिए, आप मैथमेटिक में क्या लिखते हैं? मैथमेटिक में अगर मान लीजिए 500 का 20% निकालना हो तो क्या लिखेंगे मैथमेटिक्स में? आप ये लिखते हैं ना, सॉरी माफ कीजिए सर, कि 500 मल्टीप्लाई बाय 20 और क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करते हैं ना। एक्सेल में जो डिवाइड बाय 100 है ना, ये नहीं करना होता है, क्योंकि एक्सेल जो है ऑलरेडी डेटा स्टोर करता है 0.20, समझे, जो कि डिवाइड बाय 100 ऑलरेडी होता है, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। जब किसी भी नंबर को अगर आपने लिखा परसेंट का सिंबल डाले के एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिक उसको डिवाइड बाय 100 कर देता है। यहाँ दिख रहा है 20% बट वो स्टोर किया क्या, 0.20, समझे, मतलब कि 20 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे यही आएगा ना। क्या बोले सर? जी सर। तो अगर आपको, आपने 20 लिख दिया हुआ है नंबर में, जैसे मैं यहां पे 20 लिख दिया नंबर, अब मैं इस पे परसेंटेज लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2000% आ जाएंगे ना सर, क्योंकि एक्सेल में 1=100% होता है। तो अगर आपको टाइप करने के बाद अब बाद में परसेंटेज लगाना है तो नंबर को डेसिमल में टाइप करना हो परसेंटेज, मान लीजिए आपको 60% लिखना है तो 0.60, ठीक है, अब समझे कि नहीं, समझ में आया सर? हाँ जी जी। तो ये ध्यान रखिएगा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगला एक और मैथमेटिक्स की बात करें, जैसे कि प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, कि 50,000 रुपीज आपने मान लीजिए कि 8% की इंटरेस्ट रेट में 4 सालों के लिए लिया तो इसका अमाउंट क्या हो? हालांकि एक्सेल में ऑलरेडी FB का फॉर्मूला अवेलेबल है, लेकिन मैं मैथमेटिक के अकॉर्डिंग करने चलना चाहता हूँ। और मैथमेटिक क्या कहता है? मैथमेटिक कहता है कि P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1+R डिवाइड बाय N, मतलब कि, और यहां पे टाइम मल्टीप्लाई बाय N, ओके। अब बोले उसे इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे होगा? जैसे मैथमेटिक में आप तोड़ तोड़ के करते हो ना, ऐसे ही यहां भी आप तोड़ तोड़ के कर सकते, समझे सर? कैसे? तो पहले हम यहां पे ए वाला जो कैलकुलेशन है इसको लेते हैं, 1+R/N, एन क्या है, 12, मतलब कि मंथली है इसलिए 12 होगा। तो यहां पे हमने दिया 1+R मतलब कि 12 डिवाइड बाय ये 8% डिवाइड बाय 12, ये कैलकुलेशन हो गई हमारी। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो टाइम जो है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब इन दोनों का पावर निकालना है, तो एक्सेल में ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये आपका डिवाइड होता है और ये आपका पावर होता है। ये शिफ्ट 6 प्रेस करेंगे तो आएगा, परसेंटेज के बगल में होता है। तो दोनों का पावर निकालना है,
हम इक्वल करेंगे, ऊपर को सेलेक्ट करेंगे, पावर का सिंबल देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, तो रिजल्ट आ गया 1.37566। अब इसको फाइनली हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट आ गया 68783, आया ना सर, मतलब 68783 रुपये अमाउंट हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे तो इतने सारे कैलकुलेशन करें ना, ये सारा कैलकुलेशन मैं यहाँ एक सेल में करना चाहता हूँ, तो हमें कॉपी पेस्ट करना। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो ए लिंक इससे है, फिर इस पे क्लिक किया तो ए दोनों से लिंक है, और ए दोनों में क्या लगा है, फॉर्मूला लगा है। तो वन बाई वन इसकी डबल क्लिक करेंगे, इक्वल के बाद जो इसकी फॉर्मूला है इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और एस्केप प्रेस कीजिए या एंटर प्रेस करके अब बाहर आइए, और ये क्या था D9। तो इसके अंदर जाते हैं D9, सॉरी D, यहाँ पे है ना D10 है, माफ कीजिएगा D10। तो यहाँ D10 है, तो D10 को करते हैं डिलीट, देते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज, बीच में कर्सर रखेंगे, और D10 का फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया था ना वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ आते हैं D11, D11 का फॉर्मूला इक्वल के बाद सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, एस्केप या एंटर मारते हैं, फिर नीचे आते हैं डबल क्लिक करके एक्टिव करते हैं, और D11 को करते हैं डिलीट, इसके जगह पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें मैंने अपना ब्रैकेट डाल दिया, फॉर्मूला डाल दिया सॉरी। फिर यहाँ पे आते हैं, इससे लिंक है, वापस इसकी पूरी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, एस्केप या एंटर मार के बाहर निकलते हैं, और फिर डबल क्लिक करके D12 के जगह पे D12 का फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं। तो सारा फॉर्मूला जो था हमने उसको मर्ज कर दिया, हम इसको अब डिलीट कर सकते हैं। अब इसको यहां से उठाइए और इसके ऊपर मूव कर दीजिए या कट पेस्ट कर दीजिए, समझे। अब बोले सर इतना झमेला क्यों, कि हम ऐसे ही लगा सकते थे ना इकट्ठा, जी हाँ लगा सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं ब्रैकेट में मिस्टेक हो जाए, कहीं भी मल्टीप्लाई कर दे, तो आगे चल के भी जब मल्टीपल फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसको अलग अलग सेल में लगाएंगे, फिर इसको एक सेल के अंदर में हम क्या कर देंगे, कंपाइल कर, ठीक है, समझे आप लोग। जी सर। अब सर एक बार और बता, क्या बोल रहे हैं, हेलो, एक बार और बता दीजिए, क्या दिक्कत हो रही बताइए इसमें। तो यही सब फॉर्मूला सर एक बार समझ नहीं आ रही है। मल्टीप्लाई करेगा, हमने एक के नीचे कंपाइल कर दिया, देखिए उदाहरण और एग्जांपल देते, देखिए तो यहाँ प्रैक्टिस है हमारा, तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है पहला फॉर्मूला, I इक्वल टू पी आर टी, पी प्रिंसिपल है, आर हमारा रेट है और टी हमारा टाइम है, तो हम एक सेल पे यहाँ एक सेल पे लिख दिया है पी आर टी, लिख दिया ना सर, कि प्रिंसिपल रेट एंड टाइम हमने अलग अलग लिख दिया। अब मुझे I निकालना है, I का फॉर्मूला क्या करता है, पी आर टी, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको लिया मल्टीप्लाई बाय, इसको लिया मल्टीप्लाई बाय, इसको लिया, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया 15,000। सेम मुझे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी वन प्लस आर टी, कहता है ना सर, तो इक्वल पी को सिलेक्ट किए, अब ब्रैकेट इट मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वन प्लस अगेन ब्रैकेट दिया, और आर टी मतलब कि मल्टीप्लाई है, तो आर मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया, एंड ब्रैकेट क्लोज किया, एक और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर, आ गया से 65,000। अब इसी में क्या है कि अमाउंट यहाँ पे ये फॉर्मूला तो मैंने इधर बताया ही आपको, यहाँ पे ए फॉर्मूला सेम फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये आता है ए इक्वल टू यहाँ पे पी ई पावर ऑफ आर टी, तो ई मान लीजिए 3 है हमारा, ओके, और मैंने यहाँ पे किया पी ब्रैकेट के अंदर पी पी नहीं देंगे, मतलब प्रिंसिपल देंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय ई ए ले लिया, और इसके ऊपर अगेन पावर दिया, और पावर में क्या दिया हमने आर टी, यहाँ पे क्या है आपका आर टी, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय
12, एंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट। बी मल्ट बी टू ई टू पावर ऑफ नम कैर क्यों आ रहा है 15,000। इसका इस पे हम देंगे हम पावर आरटी पे रेट मल्टीप्लाई बाई टी। अब सही है, अब आ गया 35। उसी तरह से दूसरा कैलकुलेशन है इसकी प्रैक्टिस शीट में। मुझे मान लीजिए ए हमारा ए है क्यूब है और इसका क्या है ये आपका बी है ये आपका एल है लेंथ है ये आपका हाइट है। बेस हो गया लेंथ हो गया हाइट हो गया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला करता है एल बी एच मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको लिए मल्टीप्लाई किया इसको लिया और इसको मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे सरफेस एरिया कहता है एसे तो एसे क्या कहता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी तो इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई एच ठीक है ना। फिर अगेन मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट l प्लस बी तो l हो गया प्लस हमारा बेस हो गया ब्रैकेट क्लोज कर दिए रिजल्ट आ गया 500। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट एल मल्टीप्लाई बाय बी तो एक और ब्रैकेट देते हैं और एल और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट क्लोज करते हैं प्लस बी एच इन द ब्रैकेट हम बी को लेते हैं मल्टीप्लाई बाय एच करते हैं फिर प्लस एक है आपका एच एल तो एच को हमने लिया मल्टीप्लाई बाय एल को लिया और यहां पे एंटर प्रेस कर दिया रिजल्ट आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर से हमने एक्सेल की क्लास ज्वाइन की थी फीस एक्सेल के देने जा रहे हैं या दे दिए हैं और सर मैथमेटिक क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए इससे दो चीजें यहां पे होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आता है। अब ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन यही होगा होता है क्या है कि ऑफिस में जब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट बनाते समय क्या होता है आपका ऐसे कुछ कैलकुलेशन आ जाती है जिसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं। जैसे कि सूरत से एक बंदे ने कॉल किया था मुझे कि सर मुझे एक मेरे पास एक कलर का कैलकुलेशन है मतलब कौन सा कलर बनाना है उसका एक कैलकुलेशन। क्योंकि कलर का तो तीन ही होता है ना एक बेस होता है चार होता है एक बेस होता है और दूसरा उसमें ये होता है कि रेड ग्रीन ब्लू कितना कितना पड़ेगा तो कौन सा कलर बनेगा तो उसकी एक कैलकुलेशन थी और चाहता था वो कैलकुलेशन किसी को ना दे वो एक्सेल में डाल दे आपको जो सा कलर है कलर कोड डालिए कैलकुलेशन उसका हिसाब से कैलकुलेट कर देगा आपको। तो बात ये थी कि उसकी जो कलर कैलकुलेशन थी वो यहाँ एक्सेल में तो था नहीं वो तो मैथमेटिक्स थी उसकी उसने कलर कोड में इंजीनियरिंग कर रखा था तो उसने अपनी पूरी मैथमेटिकल फॉर्मूला को इसी तरह से एक्सेल में डाल दिया डालने के बाद उसका रंग काम हो गया वो अब यहाँ पे कलर कोड डालिए उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो बता देगा कि रेड कितना पड़ेगा ब्लू कितना पड़ेगा ग्रीन कितना पड़ेगा मशीन में फिट कर दीजिए मशीन कलर बना देगा वो कपड़े का डाई मशीन था उसका तो वहां पे काम आया। तो इन फ्यूचर में आपके पास भी कुछ ऐसी कैलकुलेशन आए कुछ ऐसे कैप रेट या कुछ ऐसे कमीशन या ऐसे कुछ इंसेंटिव्स आपको कैलकुलेट करने पड़े जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है वहां पे ये आपको वर्क करेगा। दूसरा जब पहले बताया कि हम एक फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के लगाएं फिर आपस में मर्ज कर दें तो क्या होगा इससे आगे चल के जब आप दो तीन फॉर्मूला अलग अलग लगाएंगे तो उसको आपस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेरे पास यहाँ यहाँ पे लगा हुआ है 0880 यहाँ पे सिंगल कोड लगा कर तो यहाँ पे 0880257938 अब जीरो के जगह पे कुछ भी हो सकता है मान कि जो पहला है ना कोड है अब यहाँ पे भी हो सकता है 7880257938 समझे।
तो मुझे क्या करना है, इसमें से लास्ट का 10 डिजिट, लास्ट की जो डिजिट्स है एक छोड़ के बाकी लास्ट का पूरा चाहिए, समझे। अब यहाँ पे डिजिट भी 10 के जगह पे कुछ भी हो सकता है और आगे 0 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, इतना पता है कि भाई एक आगे से एक छोड़ के लेना है हमें। तो हमारे पास रैप का जिसका राइट का फॉर्मूला होता है, राइट फॉर्मूला राइट से डिजिट लेता है, जैसे 10 डिजिट दे दिया तो ये 10 डिजिट दे देगा, पर प्रॉब्लम ये है कि 10 डिजिट फिक्स नहीं है ना हमारा। तो कितना है, जितना इसकी लेंथ है उससे एक कम, तो लेंथ का फॉर्मूला हमारा लेन है फॉर्मूला, तो लेन फॉर्मूला बताएगा कितना लेंथ इसका है और फिर हम उसमें से एक माइनस कर देंगे, वो हमारे इसका इसके अंदर बनेगा। तो क्या करेंगे इसको वन बाय वन, हम एक बार इसको कॉपी करेंगे, इसको जो माइनस वन हमने किया है एल लाइन पे, तो इस पे जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, माइनस वन कर दीजिए, फिर इस फॉर्मूले को उठाइए कॉपी कीजिए और यहाँ रैप्ट में 10 के जगह पे डाल दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए दो फॉर्मूले को आपने कंबाइन कर लिया, तो अब शुरुआत में ये चीज आपके लिए बेनिफिट रहेगी क्योंकि एक साथ कई फॉर्मूले लगा नहीं पाएंगे लर्निंग पीरियड में, लेकिन जब धीरे धीरे लगाना शुरू कर देंगे तब आपको ये कॉपी पेस्ट करना जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में ये आपकी लर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर,